नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक कौन सा रहने वाला अपना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। बात समझ में आ गई क्या? कौन सा टॉपिक है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे पहले भी अपन ने इस टॉपिक को किया था, इसकी दो क्लास हो गई पहले। तो आज अपन बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चनों की। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो अपनी यूनिट है, ये सिर्फ किस पे आधारित है? बोर्ड मास पे। बात समझ में आ गई क्या? इसमें क्या, एक तो बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है और एक आपको ये देखना है किस किस पैटर्न के किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। बोर्ड मास का ध्यान नियम ध्यान रख लो और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये ध्यान में रख लो। इसमें क्या है, क्वेश्चन गलत होने की संभावना नए के बराबर रहती है। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ प्लस और के का अर्थ भाग और एन का अर्थ माइनस हो तो अपने को ये क्या दिया है, समीकरण दी हुई है 20 डी 15 ए 16 एन 13 ए 4 बराबर क्या होगा, ये अपने को सोल्व करना है। तो ये सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, बात कर लेते हैं बोर्ड मास के नियम की, जिसके अपन ने कल भी बात की थी, एक बार दोबारा बता दूं बोर्ड मास का नियम क्या होता है। ये होता है अपना बोर्ड मास, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले अपन ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद में अपन हल करेंगे ऑफ का के ऐसे जो लिखे होते हैं उनको सोल्व करेंगे, उसके बाद में अपन डिवाइड वाले भाग को सोल्व करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे भाग को, उसके बाद में गुणा को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन जोड़ वाला और लास्ट में अपने घटाओ माइनस को क्या करेंगे लास्ट में। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है, बाद में ऑफ का के ऐसे आते हैं उनको, उसके बाद में भाग को सोल्व करना, उसके बाद में गुणा को सोल्व करेंगे, बाद में प्लस को, सबसे लास्ट में माइनस को सोल्व करेंगे। तो अपन देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखो आपको सीधा सीधा मैं तरीका बताऊं, उस तरीके से करना एक में एक क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा और टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। आप कैसे लिखोगे, जैसे ये दिया हुआ है, या तो आप क्या करोगे सीधा सीधा यही लिख लोगे। बात समझ में आ गई क्या? पेपर में तो आप सीधे सीधे यही लिख लेना और नीचे मैं लिख के बता देता हूँ कैसे करना आपको। जैसे ये दिया हुआ अपना 20, अब अपन क्या करेंगे डी दिया हुआ तो डी ऊपर लिख लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? फिर 15, ऐसे नहीं पेपर में नहीं करो तो ऐसे कर लेना, ये भी क्या है शॉर्ट तरीका है। 15 आप फिर ऊपर लिख देंगे ए, नीचे 6, फिर एन लिख देंगे ऊपर, यहाँ पे लिख दिया 13, ए ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया 4। अब क्या करेंगे अपन, ऐसे लिख के ये समीकरण थी इसी को लिख दिया अपन सेम, अपन ने क्या किया जो डी नीचे था वो ऊपर लिख दिया। अब देखो इसमें क्या आसानी अपने को ये हो जाएगी कि जैसे दिया हुआ है डी का अर्थ क्या प्लस, तो अपन यही क्या कर देंगे सीधा सीधा 20 प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गई? फिर अपन देखेंगे ए का अर्थ क्या है, तो यहाँ अपन ने देख लिया ए का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई? यहाँ देखो एन का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पे सीधा सीधा माइनस कर दिया। आगे देखो ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ दोबारा दिया तो दोबारा क्या है यहाँ गुणा कर देंगे। तो इससे क्या अपने को दो बार लिखने की क्या जरूरत नहीं रहेगी, अपन ने क्या कहा सीधा सीधा समीकरण में लिख दिया। अब क्या करेंगे सोल्व करेंगे, सबसे पहले किसको सोल्व करना, देखो ब्रैकेट को, इसमें ब्रैकेट है नहीं तो अब किस दूसरा किसका है, ऑफ आ जाए तो उसको सोल्व करना, इसमें ऑफ भी नहीं है, इसमें भाग भी नहीं है, इसमें क्या है गुणा है, तो हम क्या करेंगे इसमें पहले जो गुणा वाला उसको सोल्व कर देंगे। गुणा वाला कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। बात समझ में आ गई? तो 20 प्लस 15 से कितने हुए 90, माइनस एक ऐसा का ऐसा आ जाएगा, फिर ये गुणा वाला सोल्व करेंगे 15 चौकू कितने हो गए 52। बात समझ में आ गई? अब अपने को क्या सोल्व करना है, अब अपने को सोल्व करना है प्लस वाला। बात समझ में आ गई? तो 20 प्लस 90 देखो कितने हो गए 110 माइनस 52। अब क्या करेंगे अपन 110 से 52 घटा देंगे तो 10 से 2 गए कितने बच गए 8 बच गए, ये कितने हो गए 6 हो गए, ऊपर का हो गए 11 तो कितने बच गए 5, ये क्या जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन सही है। अब देखो इसको करने में कितना समय लगा अपने को, सिर्फ अपने 3 स्टेप लिखी और वैसे पूरी समीकरण लिखते दोबारा फिर मान लिखते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ गलती हो जाती है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये जैसे समीकरण लिखेंगे 20 डी दिया डी को ऊपर लिख देंगे और जो यहाँ पे दिया हुआ वही सीधा यहाँ पे लिख लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? अपन समीकरण को इस प्रकार से लिखेंगे तो अपना क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा
और रॉन्ग होने के चांस भी बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये आपको तरीका अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये सोल्व करने से पहले आपको बोर्ड मार्क्स का नियम ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, पहले अपन क्या करेंगे, जो ब्रेकेट है उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में जो दिया हुआ आपने को ऑफ का के की उनको सोल्व करेंगे, उसके बाद में डिवाइड वाला होता है भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में प्लस और लास्ट में माइनस को सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो ये एसएससी में 4-5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी में ये सेम क्वेश्चन 4-5 बार पूछा हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये भी एसएससी की विभिन्न एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, यदि पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ क्या है माइनस है। तो ये देखो ये समीकरण सोल्व करो और इसका आंसर क्या आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 30 आएगा या 31 आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो फिर करने की कोशिश करो, देखें। चलो आप वीडियो पॉज करके कर लेना। देखो कैसे करेंगे अपने, अपने पास वही तरीका, अपन क्या करेंगे सीधे सीधे लिखेंगे 16 क्यों आया, इसको लिख दिया अपने ऊपर, फिर लिख दिया 12, ध्यान से देख लेना ऐसे लिखना आपको, तो आपका समय क्या बचेगा, एग्जाम में क्या मेन समय होता है, तो अपने को क्या करना, समय को बचाना है। 5 एस ऊपर लिख दिया, 4 नीचे आ गया, बराबर जो भी आएगा वो देख लेंगे। अब क्या करना है, क्यू का अर्थ दिया आपने को, देखो या तो ऐसे कर लो, यहीं से स्टार्ट कर दो। पी का अर्थ क्या है, भाग, देखो पी कहा है, पी यहाँ पे, तो इसका अर्थ अपने लिख दिया भाग। अब देखो क्यू का अर्थ क्या है, गुणा, क्यू यहाँ पे, तो सीधा सीधा क्या कर दिया, गुणा। आगे लिखा है अपने पास R का अर्थ है प्लस, R देखो यहाँ पे, तो अपने याद कर दिया प्लस, और क्या है S का अर्थ है माइनस, तो S कहाँ पे, इसका अर्थ माइनस। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से अपने ये एक समीकरण में एक बार में एक स्टेप में अपने लिख लिया। अब क्या कर लेंगे, इसको सोल्व करने, सोल्व करने का तरीका अपने को पता ही, सबसे पहले क्या करना है अपने को भाग को सोल्व करना है, तो आ जाएगा 16 गुणा 12/6। भाग करने का तरीका पता ही है, अगर यहाँ भाग का निशान है तो अपन क्या करेंगे, इधर से लेके आएंगे, ये भाग 6 आ जाएगा 12 के नीचे। बात समझ में आ गई? हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, न कि ऐसे 12 इसके नीचे नहीं आएगा, 6 आएगा 12 के नीचे। बात समझ में आ गई? ये विशेष ध्यान रखना आप लोगों को। फिर आगे क्या है, प्लस 5 - 4। बात समझ में आ गई? 6 * 1 = 6 और 6 * 2 = 12, तो ये आ गया 16 गुणा 2 + 4 - + 5 - 4। अब क्या 16 * 2 ये हो गए 32 और प्लस के 5 कितने हो जाएंगे, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 37 हो गए -4 = क्या जाएगा 33, अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई? देखो ये 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे लिखे आप लिखोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा और रॉन्ग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से आपको लिखना है। इससे क्या है, एक स्टेप लिखी और सीधा सीधा अपने क्या इनका अर्थ लिख दिया, क्यू का अर्थ लिख दिया अपने, गुणा, पी का अर्थ लिख दिया भाग, आर का अर्थ लिख दिया प्लस और एस का अर्थ लिख दिया माइनस, सीधा सीधा लिख दिया और फिर अपने क्या कर दिया सोल्व। इसी प्रकार से अपना आंसर क्या आ गया 33। अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, इसी प्रकार से और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए को भाग, ए भाग को दर्शाता है, बी प्लस को, सी माइनस को दर्शाता है और डी गुणा को दर्शाता है। तो ये अपने को समीकरण दी हुई है, इसको सोल्व करेंगे, इसमें ये मान रखेंगे तो क्या मान आएगा, ए 20 है, बी 6 है, सी क्या 17 और डी 19 है, तो इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से करेंगे अपन। चलो तो यहाँ पे करके देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। 24 ए ऊपर लिख दिया, 6 डी ऊपर लिख दिया अपने, 4 बी ऊपर लिख दिया, फिर कितना जाएगा 9 और सी ऊपर लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया लास्ट में 8 और क्या बराबर क्या जाएगा वो देख लेंगे। अब क्या करना है, देखो यहाँ से लेके चलेंगे, एक अर्थ क्या भाग, ये देखो कहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया भाग लिख दिया अपने, फिर
फिर आगे दिया अपने को बी का अर्थ क्या है, बी किसको दर्शाता है, प्लस को, तो बी देखो कहां पे है, तो यहाँ पे अपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखो सी माइनस को दर्शाता है, तो यहाँ पे अपने क्या कर दिया, माइनस, और यहाँ पे दिया डी गुणा को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा। बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करना है अपने को, भाग वाले को, तो यह आ जाएगा 24/6, तो इसको सोल्व कर देते हैं। 6 चौके कितने हो गए, 24, 6 चौके कितने हो गए, 24 हो गए ना, गुणा 6, फिर क्या आ जाएगा, नहीं ये तो आई गया सॉरी, गुणा आ जाएगा 4+9 और -8। अब क्या करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे, चौक चौक कितने हो गए, 16 हो गए, +9 हो गए और -8 हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आ जाएंगे 25 माइनस कितने हो जाएंगे, 8। अब देखो 25 से 8 के कितने बचे अपने पास, 17। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई क्या? तो देखो इसको आप ढंग से करोगे तो ओनली 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन है, और इसमें गलत होने के चांस भी क्या हो जाएंगे, न के बराबर है। क्यों, अपने इस प्रकार से लिखना, आपको देखो इसी प्रकार से लिख लेना, कोई भी क्वेश्चन आए तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इसको क्या कर लेना, ऊपर लिख देना, और जो इसका अर्थ दिया हुआ है वो सीधा समीकरण में लिख लेना। इससे क्या होगा, आप सीधे लिख पाओगे और आंसर भी क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ क्या भाग है, गुणा का अर्थ क्या जोड़ है, और माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ क्या घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ये समीकरण दी हुई है तो इसमें कौन सी सही होगी। ये क्वेश्चन तो एसएससी में काफी बार रिपीट हुआ है, कम से कम 5-6 बार आया क्वेश्चन है। इसमें क्या सेम ऑप्शन है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम के सेम ऑप्शन है, सेम लैंग्वेज है। तो ये एसएससी में कितनी 5-6 बार आया क्वेश्चन, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, तो इसको करने की कोशिश करो आप लोग। क्या करना है अपने को, इस समीकरण में ये मान भी रख के देखने, फिर अपने को संतुष्ट करना कि इतना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अपने को चेक करना। तो अपन कैसे चेक करेंगे, देखो अपने वही विधि लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले समीकरण लिखेंगे, फिर गुणा अपने क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया 6, फिर भाग ऊपर लिख दिया 4, माइनस अपने ऊपर लिख दिया 5, प्लस ऊपर फिर क्या लिख दिया 3, बराबर कितना 74। अब क्या करेंगे, जो ऊपर दिया हुआ है प्लस का अर्थ क्या, भाग दिया हुआ, जहां भी अपने प्लस दिखे वहां पे अपने क्या लिख दिया, भाग लिख दिया। आगे चलेंगे गुणा का अर्थ जोड़ दिया हुआ, जहां गुणा है वही क्या लिख देंगे, जोड़ लिख देंगे, और जहां माइनस का अर्थ दिया गुणा माइनस, जहां भी दिखे वहां गुणा कर देंगे। फिर क्या, भाग का अर्थ घटाव, भाग है तो यहाँ माइनस कर दिया। बात समझ में आ गई। अब सोल्व कर लेंगे, सोल्व सबसे पहले क्या करेंगे, भाग वाला सोल्व करेंगे, तो 5/3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा पॉइंट में, और इधर भी देख लो गुणा में 4 आ रहा, तो ये नहीं कटेगा, तो और पॉइंट में मान नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई क्या, या देखो गुणा में 5/3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, और 4 से गुणा करेंगे तो 4 से कट भी नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, यही छोड़ देंगे, क्योंकि पॉइंट में मान नहीं आ रहा, और इससे क्या आएगा, पॉइंट में मान आएगा। बात समझ में आ गई क्या, दशमलव में मान आएगा जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा, तो अपन क्या यही छोड़ देंगे इसको, भाग देख के देख लेंगे, तो 5 में भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा, और 4 से ये कट भी नहीं रहा, गुणा में 4 से भी नहीं कट रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसको यही छोड़ देंगे, पूरा करेंगे तो पॉइंट में मान आएगा, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ हो आंसर में नहीं है, तो यही छोड़ देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, बी को चेक करेंगे, बी को चेक करते हैं, देखो क्या 46, फिर क्या जाएगा -6+4 × 5 और भाग 3 बराबर क्या जाएगा 71। बात समझ में आ गई। अब इसमें रख के देखते हैं, देखो यहीं से शुरू करते हैं, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, प्लस का अर्थ क्या दे दिया, भाग दे दिया, गुणा का अर्थ क्या दिया, जोड़, गुणा का अर्थ क्या है, जोड़, यहाँ जोड़ कर दिया, फिर माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, माइनस देखो कहां पे ये हो गया गुणा, फिर आगे क्या दिया हुआ है, भाग का अर्थ है घटाव, भाग कहां पे, लास्ट में इसका अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भाग वाला सोल्व करेंगे, तो 46 गुणा ये आ गया 6/4+5-3 बराबर 71।
तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीन का इसमें देंगे, दो का भाग जाएगा 3 बार और दो का भाग जाएगा 2 बार। फिर अपन ने क्या किया, 2 से काटा 1 बार और इधर काट दिया 46 को, तो यहाँ कितना आ गया, 23 आ गया। बात समझ में आ गई क्या? अब 23 गुणा कितने करेंगे अपन, 3, तो ये कितने आ जाएंगे, 69 + 5 - 3। तो अब देखो अपन ने क्या किया, 69 और 5 को अपन ने ऐड किया, तो ये कितने हो गए, देखो 74 हो गए क्या, और -3 किया तो अपना आंसर क्या आ गया, 71। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अपन ने ये चेक किया, इसमें क्या आ रहा था, 5 में भाग नहीं जा रहा था पूरा पूरा 3 का, और न ही गुणा से ये कट रहा था। इसमें क्या है, पूरा भाग तो नहीं गया, लेकिन नीचे क्या होता है शेष, तो ये गुणा में क्या, 46 से 46 में इसमें क्या कट गया, 2 बचा था तो 2 का भाग जा रहा, तो इससे अपने वो क्या कट दिया, काट दिया। तो फिर आगे सोल्व करने पे अपने आंसर आ गया 71। ये क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। बात समझ में आ गई क्या? इसी प्रकार से अपन थोड़े थोड़े करके देख लेंगे, अगर ऐसे भाग नहीं जाता हो तो वहीं छोड़ देंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, ऐसे क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलो बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन और करने की कोशिश करो आप लोग, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में, एसएससी कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया है, यदि आयत का अर्थ क्या है, प्लस है, और वर्ग का अर्थ क्या है, गुणा, और सर्कल का अर्थ क्या है, माइनस, और त्रिभुज का अर्थ भाग है, तो ये अपने को समीकरण दी हुई है, तो इसमें इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए 12, बी 16, सी 28 और डी कितना, 33। तो ये देखो, देखें करके देखो आप लोग, वीडियो पॉज करके आप करना, फिर चेक करना देखो आपका क्या है, आंसर सही आ रहा है क्या। देखो अपन कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके कर लेना भाई आप लोग, 15, फिर अपन आयत क्या लिख देते हैं ऊपर, 5, यहाँ क्या लिख दिया अपने स्क्वायर, ये हो गया 4, सर्कल हो गया ये 16, और ये ट्राइंगल एट बराबर, अब इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखो क्या दिया हुआ, आयत का अर्थ क्या दिया है अपने को, प्लस दिया है, और वर्ग का अर्थ क्या दिया हुआ अपने को, गुणा, और जो वर्थ है उसका अर्थ क्या है, माइनस है, और जो त्रिभुज है उसका अर्थ क्या हो गया, भाग हो गया। अब देखो कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों के, अब क्या इसको सोल्व करना, तो सोल्व सबसे पहले किसको करेंगे, ये आपको पता है, सबसे पहले अपन भाग वाले को करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इधर से कर लेते हैं अपन, 15 + 5 - 4 - 16 / 8, 8 का भाग 8 में 1 बार, 8 का भाग 16 में 2 बार जाएगा। बात समझ में आ गई, अब इसको देखो आगे करते हैं, 15 + 5 फिर गुणा वाला कर लेंगे, 5 × 4 कितने हो जाएंगे, यही कर लेते हैं 20, और माइनस क्या हो गया, 2। अब देखो प्लस के कितने हैं, प्लस के इनको ऐड कर देते हैं, 20 और 15 कितने हो गए, 35 हो गए ना, और माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 33, 33 क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन इजी था, आपने कर लिया होगा। देखो अपने क्या किया, जो अपने को दिया हुआ था, जैसे आयत का क्या था, प्लस, वर्ग का दिया था गुणा, और सर्कल का क्या था, माइनस, और ट्रायंगल का क्या था, भाग। तो अपन ने वही किया, यहाँ आयत का प्लस रख दिया, और यहाँ पे वर्ग की जगह गुणा, यहाँ पे वर्ग था उसकी जगह अपन ने क्या माइनस, और त्रिभुज की जगह अपन ने क्या भाग रख दिया। फिर अपन ने क्या कर दिया, समीकरण सोल्व कर दी, तो अपना आंसर आ गया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी सही है। बात समझ में आ गई, चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो अगला क्या दिया हुआ है, यदि 2 * 8 * 1 = 81 हो, 3 * 2 * 1 = 27 हो, तो 4 * 1 = 4 = क्या होगा। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है,
आपके शायद इस लेवल के नहीं आएंगे फिर, लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ले, तो मैं सोचा एक दो क्वेश्चन ऐसे भी करवाई देते हैं आपको। अगर आपको क्वेश्चन वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात समझ में आ गई? देखो ये क्या है, देखो अपन क्या कैसे करेंगे इसको, 81 है, 27 है, ये क्या कैसे दिख रहे हैं अपने को, 81 दिख रहा अपने को, 9 का स्क्वायर दिख रहा है ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, 27 क्या दिख रहा है, ये देखो 3 की घात 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 गुणा 3 बराबर क्या होता है 27 होता है ना, ये क्या 81 दिख रहा, ये 27 दिख रहा, तो अपन दिमाग लगाएंगे कैसे हो रहे हैं। तो देखो 8 + 1 करेंगे, 8 + अपन ने 1 किया, देखो ये दिया हुआ है 2*8*1 बराबर 81 दिया हुआ, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, 8 + 1 कितने हो गए, ये तो जाएंगे 9, और ये क्या है स्क्वायर है, तो ये 2 लगा देंगे इसकी घात, 2 को क्या लगा देंगे इसकी घात लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 81। बात समझ में आ गई क्या, अपन ने क्या किया यहाँ पे 8 और 1 के बीच में तो अपन ने प्लस कर दिया, और जो पहली संख्या थी 2 उसको क्या लगा दिया अपने घात के रूप में लगा दी, तो 81 आ रहा है। ये नियम देखो दूसरे में लगा के देखें, दूसरे में लगाए देखो 3*2*1 है, तो अपने क्या किया था 8 और 1 को जोड़ा था, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे 2+1 को क्या करते हैं जोड़ देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 3 हो गए, और क्या लगा दी घात लगा दी 3, जो प्रथम संख्या थी उसको क्या घात के रूप में लिया था ना अपने, यहाँ पे क्या लिया था घात के रूप में लिया था 9 का 8+1 और ये 2 क्या घात लगा दी 3, तो यहाँ पे 3 की घात अपन 3 लगा देंगे, तो देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो ये दोनों बैठ रहे हैं ना सही है ना। इसी प्रकार से अपन इसमें करके देखेंगे, ये क्या दिया आपने को 1*4 * 1*4। बात समझ में आ गई, ये है। तो अपन ने क्या किया था इन दोनों में, अपन ने किया था 1 को और 4 को जोड़ा था, और जो यहाँ पे पहली संख्या थी उसको क्या लगा दी घात के रूप में, तो इधर देखो 5 की घात 4, 1 और 4 कितने हो गए 5, और घात लगा दी अपन ने 4, तब क्या करेंगे 5 * 5 * 5 क्या है 5 ही घात 4 है, तो इसको क्या कर देंगे 5 को 4 पर गुणा करेंगे, तो देखो कितने हो गए 5 * 5 = 25 हो गए, 25 * 5 = 125 हो गए, और 125 को 5 से गुणा किया तो कितने हो गए 625, तो ये क्या अपना ऑप्शन है क्या, देखो 625 कौन सा है, ये सी अपना क्या आ गया ऑप्शन आ गया, ये क्या है 625। बात समझ में आ गई क्या, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना सी। अपन ने क्या किया देखो दोबारा देखो एक बार, अपने ये देखा भाई इधर तो आ रहा 81 और इधर आ रहा 27, तो 81 क्या है, 81 अपन ने दिमाग लगाया कि 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो इसमें देखते हैं कि 8 और 1 क्या हो रहे हैं 9 हो रहे हैं, और ये घात लगा देंगे 2, 8+1 के घात लगा देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो ये अपन ने करके देखा यहाँ पे 8+1 और घात लगा दी कितनी 2, तो 9 क्या हो गया 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होने पे कितना आता है 9 का स्क्वायर होता है 81। इसी प्रकार से अपने दूसरे में किया 2 और 1 को जोड़ा तो ये कितने हो गए 3 हो गए, और फिर जो पहली संख्या थी उसको क्या लगा दी घात के रूप में, तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27। इसी प्रकार से अगले में अपन करेंगे क्या करेंगे 1+4 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 5, और जो पहली संख्या थी उसको अपन ने क्या ले ली घात के रूप में, तो 4 की 5 की घात कितनी हो गई 4, इसको सोल्व किया तो अपना आंसर कितना आ गया 685। बात समझ में आ गई होगी, चलो तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मान लो j बराबर क्या है 1, k बराबर क्या है 2, l बराबर 5, m बराबर क्या है 7, n बराबर 11, o बराबर 13 और p बराबर 17 हो, तो नीचे दिए गए खाने में लिखा जाने वाला अक्षर ज्ञात करो। देखो ये अपने को क्या दिया हुआ है, समीकरण दी गई हुई है, और ये अपने को यहाँ पे क्या है कौन सा अक्षर आएगा, तब जाके क्या जाए 31
वन आंसर आ जाए। तो इसमें कौन सा अक्षर लिखना पड़ेगा ये देखो पूछा गया है, इसको करने की कोशिश करो, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो अपन कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे लिखते जाएंगे, ऊपर लिखते जाएंगे इनको अक्षरों को एन, यहाँ पे गुणा, यहाँ जो भी आएगा पता नहीं, अपन खाना ही लिख लेते हैं एक बार, प्लस एम ऊपर लिख लिया, फिर क्या हो गया देखो कोष्टक भाग के अपन ने ऊपर लिख लिया, बराबर क्या आ जाना चाहिए 31। अब देखो अपन क्या करेंगे, एन का अर्थ देखो क्या है, एन बराबर 11, तो अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे 11 गुणा ये, इसको इसका अपने को पता है नहीं, ये तो अपने को निकालना है ही, आगे क्या है एम है, तो एम का देखो अर्थ क्या दिया हुआ है 7, एम बराबर क्या जाएगा 7, और के का मान क्या दिया हुआ देखो के बराबर आ जाएगा 2, के बराबर क्या आ गया 2, तो ये क्या हो गया अपनी समीकरण, बात समझ में आ गई क्या। तो इधर देखो क्या हो गया ये 11 गुणा, यहाँ पे मान लिया अपने x मान लिया, एक बार x मान लिया अपने, तो 11 गुणा x प्लस 7 भाग 2 बराबर क्या हो गया 31 हो गया, बात समझ में आ गई क्या। तो अपन इसको कैसे करेंगे, अब इसको आगे करते हैं अपन, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा 11 को गुणा किया x से तो ये हो गया 11 x, और ये हो जाएगा प्लस, ये तो अपने क्या कर लिया कोष्टक को सोल्व कर लिया, सबसे पहले अपने क्या किया कोष्टक को सोल्व किया, बात समझ में आ गई क्या, सबसे पहले अपने क्या कोष्टक को सोल्व किया, तो ये क्या हो गया 11 को x से गुणा किया 11 x प्लस क्या हो जाएगा 7, ये तो हो गया कोष्टक सोल्व, आगे क्या दिया हुआ है भाग, तो अपने क्या कर दिया बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा 31, बात समझ में आ गई क्या, क्या हो गया 31 हो गया ना बराबर, देखो इसको इधर लिख लेते हैं अपन 11 एक्स प्लस 7 बट्टे 2 बराबर 31 है, तो अपन क्या करेंगे 11 एक्स प्लस 7 बराबर 31 गुणा 2, ये 2 क्या ऊपर लेके आ गए, तो 31 गुणा 2 कितने हो गए देखो 31 दूनी 62 हो गए ना, इधर क्या हो गया 11 एक्स बराबर क्या करेंगे ये 7 इधर लेके जाएंगे, तो 7 क्या हो गया इधर माइनस का हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अब 62 से अपन ने 7 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 55 आ गया ना, तो 11 एक्स बराबर क्या आ जाएगा 55, एक्स का मान देखो कितना आ जाएगा एक्स बराबर 55 बटे 11, 11 का भाग 55 में जाएगा 5 बार, तो एक्स का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो 5 किसका मान है, ऊपर देखेंगे 5 किसका मान है देखो एल, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इस खाने की जगह 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तब अपना कितना आएगा 31, तो अपन ने क्या किया अब कौन सा यहाँ पे अक्षर रखे, तो यहाँ पे रखेंगे एल, एल का अर्थ क्या है 5, अपने आना क्या चाहिए था 5, लेकिन हम 5 नहीं रख के अपन ने क्या रखा एल रखेंगे, तो अपना आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, बात समझ में आ गई क्या, ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा ए सही हो गया ना। चलो तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो लाइक कर देना शेयर कर देना। अपन ने क्या किया है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसमें अपन ने जीरो से लेके एडवांस लेवल तक सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें अपन ने क्या किया जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मेरे को लगता नहीं इससे कोई बाहर क्वेश्चन आए, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो इससे क्या क्वेश्चन कोई रॉन्ग होने वाला नहीं है, अपन ने सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आ रहा है लाइक वगैरह कर देना, धन्यवाद।